भारतीय जनता पार्टी के उरई से विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कोचनगर निवासी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुनील कांत तिवारी को उरई विधानसभा के कोच क्षेत्र में न्याय पंचायतों के लिए अपना प्रतिनिधि बनाया है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कोच तहसील में लगने वाले 60 बूथ यानी 2.5 न्याय पंचायतों के ग्रामों के लिए अपना प्रतिनिधि भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष सुनील कांत तिवारी को नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने सुनील कांत तिवारी को मनोनयन पत्र भी सौंपा। विधानसभा में आने वाले क्षेत्र में गौरी नगर, जालौन नगर, आधा जालौन ग्रामीण, डपुर ब्लॉक और पौंच ब्लॉक का आधा हिस्सा उरई विधानसभा में आता है और उरई विधानसभा की जो पौंच ब्लॉक के गांव हैं उसकी तहसील पौंच है और कुछ गांव ऐसे हैं जहां से लोगों को उरई जाने आने में दिक्कत होती है। सारे काम तहसील से पौंच से होते हैं, उनको हमसे मिलने में दिक्कत होती है तो मुझे बड़ी चिंता रहती है कि कार्यकर्ताओं को कैसे सम्मान मिले, कैसे उनके काम कराए जाएं। इसलिए बहुत दिन से मुझे तराज थी कि पहुँच में कार्यालय खोला जाए और अपना एक प्रतिनिधि बनाकर उनको नियुक्त कर कार्यकर्ताओं के और आम जनमानस के काम कराए जाए, क्योंकि शासन द्वारा जो बैठकें होती हैं उसी दिन अगर उरई में बैठक है तो पहुँच ब्लॉक में, पहुँच तहसील में मैं नहीं आ पाता था, इसलिए कार्यकर्ताओं ब्लॉक में भटकते रहते थे क्योंकि उनका कोई प्रतिनिधि ना होने के कारण तो मायूस होकर लौट जाते थे और बाबू चक्कर लगा देते। इसलिए मैंने सुनीकांत तिवारी को, जो पूर्व नगर अध्यक्ष पहुँच रहे हैं, मेरे परम मित्र भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में पूरा परिवार इनका जुड़ा रहा है, आज भी पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलता है। दरअसल हम लोग तो संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं और सतत काम करते रहते हैं। माननीय उरई विधायक जी ने जो कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए हम पर जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए हम सदर विधायक के आभारी हैं और साथ में समस्त कार्यकर्ताओं को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रण प्रण से उनकी जो मदद हमसे हो सकेगी, उनके जो भी कार्य होंगे तो यथासंभव उनके सरलीकरण करके और उनको कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो जैसा कि दीनदयाल जी का लक्ष्य था कि सत्ता के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जब तक सत्ता की रोशनी नहीं पहुंचती है तब तक शासन का कोई मतलब नहीं है। भारत 9 के लिए जालौन से जुबेर अहमद की रिपोर्ट।